नमस्ते, मैं हूँ टिया, ग्रैंड मास्टर हीलर, क्रिस्टल हीलर, ट्विन फ्लेम कोच, टैरो रीडर, क्रिया कुंडलिनी मास्टर एंड पीएलआर थेरेपिस्ट। वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, हेलो, हाय एंड वेलकम टू टिया टैरो कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और एक करंट रीडिंग की वीडियो। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में फिलहाल क्या सोच रहे हैं, जानने के लिए आज का वीडियो। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ जो सर्विसेस है उसके बारे में डिटेल में बता देती हूँ। कोई भी सर्विसेस चाहिए, अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, टैरो रीडिंग चाहिए एंड आपको अगर ट्विन फ्लेम हीलिंग, ट्विन फ्लेम कोचिंग करना है, अगर डिस्टेंस रेकी हीलिंग करना है जिसमें आपका हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, कोई भी कारण के लिए, एजुकेशन, कोई भी कारण के लिए डिस्टेंस रेकी हीलिंग करना है, अगर आपको पीएलआर करवाना है, अगर आपको प्योर एनर्जाइज क्रिस्टल चाहिए, प्योर क्रिस्टल, एनर्जाइज क्रिस्टल, मैं खुद आपके एनर्जी से वो एनर्जाइज्ड करके आपको देती हूँ। सो आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ डिटेल्स, आपका नाम, आपकी फोटो, इसके हिसाब से वो एनर्जाइज्ड इंडिविजुअली आपकी एनर्जी से किया जाता है। क्रिस्टल तब तब भी वो अच्छा काम करेगा। दो पॉइंट, एक है प्योर क्रिस्टल होना है। ज्यादा चक 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 कर रहा है मतलब बहुत अच्छा क्रिस्टल है, नो, ग्लास होता है। सो प्योर क्रिस्टल होना है, जस्ट जानकारी के लिए बोल रही हूँ, प्योर क्रिस्टल होना है और वो प्रॉपरली एनर्जाइज्ड हो, तब देखना आपके ऊपर काम स्टार्ट करेगा। काम करेगा कैसे, आपके एज पर योर ब्लॉकेज, किसी के फटाक से स्टार्ट होगा, किसी की थोड़ा लेट से स्टार्ट होगा, मगर काम बिल्कुल होगा। इनका इतना अच्छा हीलिंग इफेक्ट होता है। प्रॉपरली क्लीनिंग करना पड़ता है, बहुत ईजी, थोड़ा सॉल्ट वाटर में धोना एंड ऑल, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते, बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है, इसीलिए वीडियो में मैं क्लियर कर दिया। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा सर्विसेज चाहिए प्लीज मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पे करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है 9087282880, उसमें मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप करना है, डिटेल आपको भेजा जाएगा। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन हो बिल्कुल वॉइस मैसेज में, टेक्स्ट में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आंसर दे दूंगी। रीडिंग के टाइम या आपका अगर कॉल रीडिंग बुक कर रहे हो, वीडियो कॉल रीडिंग बुक कर रहे हो, तो बिल्कुल मुझसे बातचीत होगा। अगर ऑडियो कॉल रीडिंग भी आप बुक कर रहे हैं तो मेरे ही गले का आवाज अब तक पहुंचेंगे मेरे ही रीडिंग के साथ। ठीक है, तो अभी हम लोग जैसे स्टार्ट करने से पहले और भी कुछ करते हैं, क्या करते हैं, रीडिंग से पहले दो बातें। आज की बातें बहुत छोटी सी है मगर इसका जो रियलिटी है उसको समझिए। आपके हाथ पे आप घड़ी पहनते हो, मोबाइल में घड़ी सेट किया हुआ है, टाइम सेट किया हुआ है, आपको लगता है वो इतना टाइम गया, अच्छा ठीक है, इतना हुआ ठीक है। एक्चुअली दिस इज योर लाइफ। एवरी मोमेंट क्रॉस कर रहे हो आप, एक 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 मिनट खत्म की तरफ जा रहे हो। यू आर क्रॉसिंग द टाइम, वट एवर यू आर वेस्टिंग। सिंपली आपका घड़ी सिर्फ घड़ी नहीं है, वो आपका मोबाइल का टाइम जो है, जहां पे भी टाइम देख रहे हो, टिक 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 टिक, सेकेंड सेकेंड सेकेंड, मिनट आवर बढ़ रहा है, वो सिर्फ की वही है, वो आपकी लाइफ है जो धीरे 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 आपको गोल तक पहुंचा रहा है। टाइम आपके हाथ पे एक सेकेंड जो गया वो वापस नहीं आने वाला। तो बहुत ही सीरियसली सोचिए इस बात को। ये जो सिर्फ रो रो के किसी के लिए, मुझे तो जीना ही नहीं है उनके बिना, मुझे तो वो क्या सोचता है वो ही दिमाग में चलता रहता है, करियर गया तेल लेने, मैंने हर चीज में मैं वेस्ट करके, मेरा जो प्रेजेंट है उसको मैं इग्नोर करके सिर्फ फ्यूचर को सोच रही हूँ, कौन किसके मालूम है घड़ी कब बंद होने वाला है। तो एकदम हर मिनट की वैल्यू दीजिए, हर सेकंड की वैल्यू दीजिए, जिंदगी की वैल्यू दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में फिलहाल क्या सोच रहे हैं।
जैसे मैं अननेसेसरी बड़ा करना पसंद नहीं करती हूँ रीडिंग, टू द पॉइंट होगा आपकी पर्सन के करंट फीलिंग, उस पर आपको कैसे बिहेवियर करना है, एनर्जेटिकली कैसे रहना है, वो क्या एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, पहले एनर्जी ओरेकल से देख लेती हूँ, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, टैरो डेक से क्लैरिफाई करती हूँ। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन के कारण फीलिंग क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन हेल्प करे, प्लीज डिवाइन हेल्प करे आपके पर्सन के कारण फीलिंग टुवर्ड्स यू। प्लीज डिवाइन आपके पर्सन के कारण फीलिंग टुवर्ड्स यू। एप्रिसिएशन, वाह वाह, एप्रिसिएशन फर्स्ट कार्ड आया है। ठीक है, सेकेंड कार्ड हैप्पी फैमिली, कॉर्नोकोपिया, वॉकिंग अवे, और एक कार्ड एनवी। चलिए देखते हैं हर कार्ड की क्लैरिफिकेशन। नंबर आया है नंबर 15, 5+1 6, नंबर 4, नंबर 2 11, 1+1 2, नंबर 27, 2+7 9, एंड एनवी 2। यहाँ पे हर प्लैनेट का ही हम लोग अवस्थान देख सकते हैं। नंबर 6 इज अ वेनस कार्ड है, वो आपको लेके लग्जरी ब्यूटी हर चीज लेके आपके लिए सोच रहे हैं। नंबर 4 स्ट्रगल करके उनके गोल तक पहुंचना, इट्स अ राहु। नंबर 4 इज अ नंबर ऑफ राहु का नंबर होता है, स्ट्रगल करके कुछ गोल तक पहुंचने का नाम है। नंबर 2 मून की कार्ड है, इल्यूशन, मून जो एनर्जी रखते हैं ना, इल्यूशनरी एनर्जी, स्पीडी एनर्जी, इमोशनल एनर्जी। नंबर 7, नंबर 9 मार्स की कार्ड है, कुछ चीज डिसीशन लेना, कुछ आगे जाना। ठीक है, नंबर 2 अगेन, नंबर 2 एनवी। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी में इमोशन दिख रहा है, एक्शन दिख रहा है, एक लग्जरी ब्यूटी को दिख रहा है, एंड कुछ एक्शन, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, इस टाइप की एनर्जी दिख रहा है। अभी देखते हैं हम लोग कार्ड से क्लैरिफाई करते हैं, टैरो कार्ड से क्लैरिफाई करते हैं कि क्यों एप्रिसिएशन का कार्ड क्यों आया है। वैसे तो नजर समझ में आ ही रहा है कि आपके लिए इनके मन में इतना एप्रिसिएशन फील हो रहा है, आपकी गुण, आपकी रूप, आपकी ऑरा, हर चीज में इनके मन में काफी एप्रिसिएशन फील हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये अप्रिशिएट कर रहा है आपको दिल से। अभी देखती हूँ ये कार्ड को भी क्लैरिफाई करती हूँ, आपकी कौन सा चीज के लिए इतना अप्रिसिएशन, क्या चीज इनके दिल और दिमाग को छा गए। पेज ऑफ सॉर्ड्स, आपका जो एक्शन लेने का जो ये है कैपेसिटी है, और समथिंग आपके अंदर जो कुछ कुछ की चीज में बचपना है, ये भी सोच रहा है कुछ एक्शन ले। थोड़ा सोच समझ थोड़ा कम है, मगर एक्शन लेने के लिए आपकी रूप में, गुण में इतना ज्यादा अट्रैक्टेड है, तो कहीं ना कहीं वो एक एक्शन के बारे में सोच रहा है। ठीक है, न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहा है, मगर सजेशन यही रहेगा सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दीजिए। सेल्फ लव की थोड़ा सा कमी दिख रहा है मुझे आपकी पर्सन में, आप में भी, आप भी थोड़ा सा सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दीजिए। एनर्जी ऐसा है, वी ऑल आर मिररिंग ईच अदर्स, तो बिल्कुल आपका एनर्जी उन तक भी पहुंचेगा। सेल्फ लव की थोड़ा कमी दिख रहा है, मगर आपको काफी अप्रिशिएट कर रहा है। वेरी मच मिसिंग एनर्जी, 5 of Pentacles, हो सकता है अभी वो ऐसा प्रॉब्लम में फंसे है, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, सिचुएशनली, जिसमें वो सच में आपको मिस कर रहा है, एंड अभी उनके दिल और दिमाग में बार बार आप ही आ रहे हो। ठीक है, देखते हैं हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली की कार्ड क्यों आया है, प्लीज डिवाइन।
अगेन टेन ऑफ कप्स, मतलब दिल से मैरिज चाहते हैं, दिल से एक साथ रहना चाहते हैं, दिल से, वो करे ना करे बात की बात है, वो दिल से फैमिली चाहते हैं आपके साथ, रियूनियन चाहते हैं आपके साथ, दुखी हो रहा है सिचुएशन से, दुखी हो रहा है, हो सकता है मैरिड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, हो सकता है इनकी मदर इशू है, एनी हो थर्ड पार्टी कुछ सिचुएशन तो है जिस चीज के लिए वो प्रॉपरली एक्शन नहीं ले पा रहा है, एक्सट्रीम डिप्रेशन फील कर रहा है, ये सब जब वो सोचते हैं कि कैसे करूं क्या करूं, डिप्रेशन फीलिंग हो रहा है, मगर वो उनको मालूम है मैं गोल तक पहुंच के ही रहूंगा या रहूंगी, तो ये एनर्जी अभी इनका दिख रहा है, दुखी एनर्जी है, कैसे होगा मेरा तो ऑब्स्ट्रक्शन है, डिप्रेशन है, बस साथ ही साथ काफी डिप्रेशन है, मगर साथ ही साथ अभी एक जगह में तो वो आ चुके हैं कि नहीं मुझे गोल तक पहुंचना है। कॉर्नकोपिया फ्रूटफुलनेस की तरफ देख रहा है, वो तो सच में एक एबंडेंस, एक आपके साथ जो ब्यूटीफुल लाइफ उसकी तरफ ये देख रहा है, बोल रहा है कि मतलब कैसे हो क्या हो सकता है प्रॉपर एक्शन नहीं ले पा रहा है मगर कैसे क्या होगा, इसकी तरफ बहुत फ्रूटफुलनेस की तरफ ये देख रहा है, इमीडिएटली पैशनेटली दौड़ के आने की कोशिश कर रहा है, ये पैशनेट लव फील कर रहा है, दौड़ के आपके पास आने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा हरी बड़ी ज्यादा ही है इनका इमीडिएटली, ठीक है, कभी सोच रहा है कभी लग रहा है नहीं दौड़ के जाए इनके पास, ये एनर्जी एक्चुअली है, मगर फिर अपने आप को कंट्रोल करके सोच रहा है। एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स दोनों ही कार्ड आया है जिसमें ये बहुत ज्यादा एक्शन लेने के मूड में है, ठीक है, वॉकिंग अवे, वो कहां से जाना चाह रहा है, वॉकिंग अवे करना चाह रहा है कहां से, यहाँ पे तो कार्ड दिख रहा है क्या है 27 नंबर, कुछ जगह में बंधा हुआ था वहां से वो बाहर निकाल के जाना चाह रहा है, कार्ड को और भी क्लैरिफाई करते हैं, द वर्ल्ड न्यू बिगिनिंग, एक साइकिल वो खत्म करना चाहते हैं, कोई न्यू बिगिनिंग की तरफ जाना चाहते हैं, हो सकता है आपकी पर्सन अभी ट्रेवल करने जा रहे हैं या ट्रेवल करके आए हैं और ऑलरेडी ट्रेवल कर रहे हैं, दूर में है, दूर जाने वाले हैं, या ऐसा कुछ एनर्जी होने का बहुत चांस है, बहुत ज्यादा प्यार का फीलिंग हो रहा है, न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ, तभी तो प्यार का फीलिंग इतना स्ट्रांग है, बट एनर्जी जो है फुल एनर्जी, कैसे क्या करेगा उनको मालूम नहीं है बट उनको चाहिए, इस एनर्जी में वो है, ठीक है। एनवी, एनवी का कार्ड क्यों आया है, एनवी क्यों, किस चीज की एनवी, कुछ एक जगह से फोकस्ड होना, हो सकता है ऐसा कोई पर्सन इनके दिमाग में दिल में है, जहां पे मतलब दिल में नहीं बोलूंगी जिंदगी में है, जो काफी कंट्रोल कर रहे हैं उनको, साथ ही साथ वो आपकी तरफ फोकस्ड, काफी फोकस्ड है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके से फोकस हट चुके हैं, थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन है उनके साथ इनका भी ऐसे रिलेशनशिप है कि हम भी मिलिट्री तुम भी मिलिट्री, ये एनर्जी है, बहुत ही कंट्रोल करते हैं, बट ऐसा नहीं बोलूंगी कि ये जो थर्ड पार्टी है दिल का बहुत खराब है, बट कंट्रोलिंग है, ठीक है, इनको भी ऐसा लगता है कि क्या करे ना करे कंफ्यूज एनर्जी है, बट लवर्स कार्ड आपके लिए, वो एक्चुअली हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो, आपके साथ एक एक्सट्रीम प्यार फिजिकल सोल एंड माइंड लेवल जो लेवल होता है, अल्टीमेटली फिजिकल रियलिटी इज द बेस्ट बट द थिंग इज एक्चुअली सोल लेवल फिजिकल लेवल, जितना डीप ऑफ स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे पता चलेगा आत्मा लेके हम लोग बात कर रहे हैं, मगर एक्चुअली 3D लाइफ में हम लोग फिजिकल रियलिटी को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, जितना जानेंगे शरीर को तकलीफ नहीं दे सकते, है ना, ये एक्चुअली द थिंग इज वो आपके साथ यही बॉन्ड एक्चुअली फील करते हैं, इमीडिएटली फीलिंग यही दिख रहा है, सो काफी अच्छा एनर्जी दिख रहा है, थोड़ा डिप्रेशन है कोई बात नहीं, 12th पोर्टल की बात इसीलिए आज का रीडिंग मैं लेके आई, ये पोर्टल में तो आप लोगों को बहुत चैनल होता ही है नॉर्मली करते हैं, मैं ट्राई करती हूँ, मगर मैंने सोचा ठीक है चलो इसके बाद का एनर्जी मैं निकाल के देखती हूँ क्या इम्प्रूवमेंट आया है, इसीलिए आज लेके आई हूँ आज का रीडिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं बाबा की संदेश क्या है आपके लिए इमीडिएटली, ये जो सिचुएशन है इसमें बाबा आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, चलिए देखते हैं। बाबा क्या बोलना चाहते हैं आपको, सजेशन क्या रहेगा, आशीर्वाद क्या रहेगा आपको, बाबा का आशीर्वाद, देखिए बाबा बोल रहा है कि मालिक की मर्जी,
आपके साथ जो भी हो रहा है वो मालिक की मर्जी से ही हो रहा है, मुस्कुराते हुए उसमें से गुजर जाइए। तो जो भी हो रहा है आपको लाइफ लेसन मिल रहा है। ऐसा नहीं होगा आपका पेरेंट आपको तकलीफ देगा, अब बाबा भी ऐसा नहीं करेंगे। उसमें मुस्कुराते हुए चीज को एक्सेप्ट करके चीज से लेसन लेके फिर आगे जाइए। आपके लिए ब्यूटीफुल मॉर्निंग वेट कर रहा है। प्रकाश बनिए, औरों के जीवन का आशा बनिए एवं भरोसा बनिए। आप बिल्कुल दूसरे की जिंदगी को आशा बनिए, भरोसा बनिए। आप थोड़ा हेल्प कीजिए इंसान को। बाबा का ये संदेश है आपके लिए कि आप कभी अभी जो टाइम आया है आपका सोल मिशन का टाइम आया है, बिल्कुल आप एक इंसान को कर सकते हो, एक एनिमल को कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं आप प्लीज प्रकाश बनिए, किसी के हाथ पकड़िए जो एक्चुअली आपसे हेल्प मांग रहे हैं, जो एक्चुअली नीडी है। तो बाबा का संदेश आप लोगों के लिए आज के लिए यही है, इसको थोड़ा फॉलो करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये था आज का रीडिंग, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, दिल खोल के कमेंट कीजिए, दिल खोल के कमेंट कीजिए। आप लोग जो भी कमेंट करते हो मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ती हूँ, एंड आप लोगों का जो विश है वो भी दिल खोल के लिखिए कमेंट सेक्शन में। मैं जब भी हीलिंग में बैठती हूँ, देखिए 12th पोर्टल गया है, हर न्यू मून फुल मून ये जो साइकिल है काफी एनर्जी चेंजेस होता है। इस टाइम में मैं जब भी हीलिंग में बैठती हूँ आप लोगों का विश मैं बिल्कुल प्रे करती हूँ रेकी मदर से, डिवाइन से, और इतना अच्छा प्यार भरे मैसेज का जब आप लोगों को सक्सेस हो जाता है आप लोग देते हैं, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। मेरे चैनल को प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, तो न्यू वीडियो की अपडेट आपकी तरफ आते ही रहेंगे। थैंक यू।